हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड 2021 का काउंसलिंग का थर्ड फेज शुरू हो चुका है और कॉलेज जो क्वेश्चन आज है कि बहुत सारे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कॉलेज अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए कॉलेज फुलफिल किया और आपको अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है या आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो 5000 आपने पे किया है, 750 तो वो तो रिफंड नहीं होता है, ये तो पैसा वापस नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन 5000 रुपीज़ जो आपने एक्स्ट्रा सबमिट किया है वो आपके बैंक में कब तक आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे, तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बार बार किसी को कमेंट ना करना पड़े, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, ध्यान सुनिए, पिछली बार भी क्या हुआ था कि कोविड की वजह से ये 5000 रिफंड करने में लखनऊ यूनिवर्सिटी लगभग 5 से 6 महीने से ज़्यादा का वक्त ले गया था। तो आप मान के चलिए कि 6 महीने तक तो आप इस पे ध्यान ही मत दो कि आपका रिफ़ंड आ रहा है नहीं आ रहा है, 6 मंथ के बाद रिफ़ंड होना स्टार्ट होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये 5000 सबका वापस आ जाता है, आपका भी आ जाएगा, बट आपका क्या करना कि आफ्टर 6 मंथ बाद ही रिफ़ंड होगा। अभी इसका कोई चांसेस नहीं है कि लेंदी प्रोसेस होता है, पहले काउंसलिंग फिर बाकी प्रक्रिया। अच्छा, थर्ड फेज का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और दूसरे चरण की सीटों के आवंटन का परिणाम जारी हो गया है। तो सेकंड चरण का लगभग कंप्लीट हो गया सब कुछ और काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है आज से। जो चीज़ बताया गया है ये चीज़ देख सकते हैं कि सेकंड चरण में अभ्यर्थियों को इतना लॉक किया है और कितने लोगों को कॉलेजेस अलॉट किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसको पढ़ सकते हो एंड कुछ पूछना होगा डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।